बेटे कुश के अचानक शादी करके आने से दुखी थी। लेकिन कुश एक अच्छे घर की अमीर लड़की आशिमा को अपनी बीवी बनाकर लाया था, जिसके कारण कांता की नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई और वो अपनी नई बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आ जाओ बहू, अब बेटे की पसंद के आगे एक माँ को तो झुकना ही पड़ेगा। बेटे की पसंद नहीं, बहू की अमीरी देख कर झुकी हैं आप तो। कांता अपनी नई बहू की आरती उतार ही रही होती है कि तभी वहाँ कुश की बहन रिया आती है, जो दरवाजा रोकते हुए अपने भाई से बोलती है, भाई देख, मैंने सुना है कि दरवाजा रोकने की रस्म होती है जिसमें भाई को अपनी बहन को पैसे देने पड़ते हैं कमरे में जाने के लिए, तो अब तो देख ले, अगर कमरे में जाना चाहता है तो पैसे दे दे। लो, घर में सही आए भी नहीं और ये फकीरों की तरह मांगना शुरू हो गई। मुझे तो लगा ही था कि ये भिखारी लोग हैं, वो तो खुश की खुशी के लिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना ऐसे घर में तो मेरी जूती भी पैर नहीं रखती। अरे ले लियो पैसे बाद में कभी, अभी जाने दे, थके हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे दो, अभी के अभी। ये देखकर आशिमा अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और रिया के हाथों में देते हुए बोलती है, ये लो पैसे और रास्ता छोड़ो हमारा, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम्हारी फकीरी के चलते और देर खड़ी नहीं रह सकती। इतना बोलते ही आशिमा अंदर को आ जाती है। उसके रूखे व्यवहार के चलते कुछ भी उसके पीछे पीछे उसको समझाने जाता है। वहीं अपनी नई नवेली भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर रिया अपनी माँ से बोलती है, देख लो माँ भाई की पसंद को, आज रस्म निभाने के लिए भाई से पैसे क्या मांगे, ये अमीरजादी तो हमें फकीर कहकर चली गई। अरे वो थकी हुई है, इतनी देर से खड़े खड़े किसी का भी दिमाग घूम जाएगा, तू गुस्सा मत कर और जा जाकर दूध गर्म कर दे अपने भाई भाभी के लिए। मैं नहीं कर रही, आप ही कर दो। रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ कांता भी अपनी बहू और बेटे को दूध दे आती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिमा घर में नई नई चीजें लाकर अपनी अमीरी दिखाती है और रिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन रिया को अपने कॉलेज फेस्टिवल में पहनने के लिए साड़ी चाहिए, जिसके लिए वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे साड़ी चाहिए, मेरे कॉलेज में फेस्टिवल है, मुझे उसमें पहननी है। देख बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे साड़ी दिला सकूं, तू ऐसा कर, जाकर अपनी भाभी से मांग ले की कोई साड़ी, वो दे देगी, मना नहीं करेगी। क्या माँ, अब मैं उनसे मांगू? अरे वो तेरी भाभी ही तो है, अपनी भाभी से मांगने में कैसी शर्म, जा उनसे बोलती है, भाभी मेरे कॉलेज में फेस्टिवल है, मुझे उसमें साड़ी पहननी है, तो क्या आप मुझे अपनी कोई साड़ी दे सकती है एक दिन के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने अपनी साड़ी फकीरों को दान करने के लिए ही तो ली है, और सबसे बड़ी फकीर तो मेरी खुद की ननद है, तो भला मैं उसको क्यों नहीं दूंगी, रुको अभी देती हूँ। आशिमा बड़े ही प्यार से अपनी ननद की बेइज्जती करके उसको अपनी एक साड़ी दे देती है, जिसके बाद रिया उस साड़ी को लेकर अपने कमरे में जाती है और मुंह फुलाते हुए बोलती है, भाभी अमीर है, उन्होंने सबको फकीर समझा हुआ है क्या, अरे कोई भी चीज देगी तो बकवास और ताना मार देगी। आशिमा और रिया के बीच हुई बातें कांता भी सुन लेती है, लेकिन वो घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोलती। आशिमा ने तो घर के कामों के लिए भी नौकर रख लिए थे, जिसके कारण वो बस पूरा दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती, ससुराल वालों से ज्यादा बात नहीं करती, ना ही कोई मेल मिलाप करती। लेकिन कांता चाहती थी कि उसकी बेटी रिया और आशिमा आपस में बहनों की तरह रहे, ताकि आगे उसके ना रहने पर उसकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वो कभी कभी रिया को किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से बात करने भेज दिया करती, ताकि आशिमा को घर में अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा घर से पार्टी के लिए जा रही होती है, तो कांता से रोकते हुए बोलती है, बहू कहीं घूमने या पार्टी में जा रही हो क्या? जी माँ जी, सही पहचाना, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तो बहू एक काम कर, रिया को भी ले जा, अकेली घर में बोर हो जाएगी, ये भी देख लेगी अपनी भाभी की पार्टी। अरे माँ मुझे नहीं जाना, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे कपड़े जा भाभी से ही ले ले, चल जा, हो जा तैयार जल्दी से। आओ आओ ननद जी, आपको कपड़े दूँ, फकीर कहीं की हर वक्त मांगने को तैयार रहती है। आशिमा एक
ड्रेस रिया को दे देती है, जिसके बाद रिया तैयार होकर अपनी भाभी के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है, जहां आशिमा की अमीर सहेलियां भी आई होती है, और उनमें से एक नताशा नाम की दोस्त रिया को साथ देखकर बोलती है, अरे आशिमा, ये तो तेरी वो पुरानी ड्रेस है ना, जो तू कह रही थी फेंकने वाली हो गई है। हाँ यार, लेकिन मैंने सोचा फेंकने से अच्छा किसी फकीर को दान दे दूँ, और मेरी ननद से बड़ी फकीर तो कोई है ही नहीं। जब देखो तब मांगती रहती है फकीरों की तरह। शादी के पहले दिन पैसे मांग रही थी, एक दिन साड़ी मांग रही थी, आज यहाँ आने के लिए भी मेरे से ही ड्रेस मांगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दान पुण्य ही कर लिया जाए। एक फकीर ननद को अमीर भाभी मिल गई, जो हमेशा उसकी फकीरी को ढकती रहेगी। सही है, मौज हो गई। अपने अपना मजाक बनने पर उसकी नजरें शर्म से झुक जाती है और वो पार्टी को बीच में छोड़कर घर चली जाती है। घर आकर उदास होकर वो अपने कमरे में रो रही होती है। कांता के लाख पूछने पर भी वो अपनी भाभी के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं बोलती। लेकिन उस शाम जब कांता अपने बेटे बहू के कमरे से गुजरती है, तो उसके कानों में अपनी बहू की बात पड़ती है, जो अपने कमरे में कुश से बोलती है, पता है कुश, आज मैंने तुम्हारी फकीर बहन को अच्छा सबक सिखाया, अपनी सहेलियों के सामने ऐसा बेइज्जत किया कि दोबारा वो फकीर की तरह मुझसे कुछ नहीं मांगेगी। तुम पागल हो गया आशिमा, मेरी बहन कोई फकीर नहीं है, समझी? अरे तुम उसकी भाभी हो, और ननन भाभी को तो बहनों की तरह रहना चाहिए। माना तुम अमीर हो, लेकिन उसमें उसकी क्या गलती? उसने तो तुमको अपनी भाभी समझकर हक से कुछ मांगा, लेकिन तुम उसको फकीर समझोगी। ये उसको पता होता तो वो कभी तुमसे कुछ मांगते ही नहीं। ये सुनकर कांता भी कमरे में आती है और अपने बेटे की बात से सहमत होकर बोलती है, बहू, मेरी बेटी ने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अरे उसको तुमसे क्या, मुझसे मांगने में भी शर्म आती है। वो तो मैंने उसे बोला, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करोगी तो आपस के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, लेकिन मैं गलत थी। आज से मैं उसको मना कर दूंगी कि वो तुमसे कुछ भी ना मांगे। कांता अपनी बहू को ये बोलकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसको प्यार से अपनी गले लगाकर चुप करवाती है। अब से रिया अपनी भाभी से कुछ नहीं मांगती, और धीरे धीरे शिमा ने पाया कि उसका और रिया का रिश्ता जो था, वो भले ही किसी चीज को मांगने से शुरू हुआ था, पर वो तभी भी उससे बात करती थी। लेकिन जब से रिया ने खुद को आशिमा से अलग कर लिया था, दोनों की बिल्कुल बात नहीं होती थी। आशिमा अगर घर में कोशिश भी करती तो उससे बात करने पर रिया दूर चली जाती। ये देखकर आशिमा कुश से बोलती है, रिया मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मैंने अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारा मजाक बनाया। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया। ऐसे नहीं, मैंने तुमको हमेशा फकीर बोला, जबकि सबसे बड़ी फकीर तो मैं हूँ, अमीर पैसों से हूँ, लेकिन रिश्तों के मामले में तो आपसे भी ज्यादा फकीर हूँ। ना आज तक अच्छी बहू बन पाई ना भाभी, मुझे एक मौका दे दो रिया, दिल से मैं अपनी सारी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मैंने आपको माफ कर दिया और एक मौका भी दे दिया, अब से हम एक परिवार की तरह रहेंगे। हाँ पक्का। दोनों ननद भाभी में इतना प्यार देखकर कांता की आंखें भर आती है, और आखिर में अमीर भाभी और फकीर ननद एक दूसरे को अपने दिल से अपना लेती है। अंकिता अपने ससुर कमरे में रहा करती थी। अंकिता के ससुराल की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में एक दिन घर से आते समय पंकज का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ऐसे में अब ना उनके पास कमाने का कोई जरिया रह जाता है और ना ही पंकज के इलाज के लिए पैसे। दोनों सास बहू के पास उनके सर पर केवल एक छत और छोटी सी जमीन का टुकड़ा रह जाता है, जिसमें पंकज ने कुछ सब्जियां उगाई थी। गंगा और अंकिता इस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही पाते कि तभी कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैलने लगता है और शहर भर में लॉकडाउन लग जाता है, और अब उनके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिस पर एक दिन गंगा अपने सर पर हाथ रख अपनी बहू से बोलती है, अरे रे फूटे किस्मत, घर में नहीं है दाना, अरे से समाज अंधा खाना, ये क्या हो रहा है? अरे बहू, घर में सिवाय इन सब्जियों के कुछ नहीं है, और आटा
आज ऐसी हालत हो गई है, हे भगवान कैसे करेंगे हम अपने पंकज का इलाज। आए सोचा था कि इस लॉकडाउन में कई झाड़ू पोछा करके चार पैसे कमा लूंगी, घर की हालत सुधर जाएगी, पर आए राम ये लॉकडाउन, आए इसने तो सारी उम्मीद तोड़ दी। आए माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस बुरे समय में हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हम सभी को एक परिवार एक ताकत बनकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। आप आराम से बैठिए और पंकज जी ने जो सब्जियाँ लगाई थी मैं आज उन्हीं में से कुछ बना लेती हूँ, फिर उन्हें दवाई भी तो देनी है ना। अंकिता बाहर से सब्जियाँ तोड़ उससे थोड़ी सी सब्जियाँ बना लेती है और पंकज को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला देती है और फिर वो अपना घर कैसे चलाए इस सोच में डूब जाती है। तभी उसकी सास गंगा अपनी बहू से उस जमीन के बारे में बात करने लगती है कि तभी माँ जी हम अपनी कोने वाली छोटी जमीन को नहीं बेचेंगे बल्कि अब से मैं सब्जियाँ बेचा करूँगी। अरे बहू ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी उस जमीन में सब्जियाँ भी बहुत उगती है, हम उसमें सब्जियों के भी पेड़ लगाएंगे, ठीक है। अंकिता और गंगा सब्जियां तोड़ उनको साफ पानी से धो देती है और साफ करके घर में रखी नीगज की साइकिल पर बांध लेती है और साथ ही सब्जियां तोड़ने के लिए तराजू भी रख लेती है और मुंह पर मास्क लगाकर हाथों में ग्लव्स पहनकर घर से सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ती है। सब्जी लेना सब्जी। अंकिता पूरे दिन गलियों में घूम घूम कर सब्जियां बेचती है, उसकी ताजी हरी सस्ती सब्जियां ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है जिसके कारण उसकी खूब बिक्री होती थी। माँ जी ये काम हमारे लिए बिल्कुल सही साबित हो रहा है, बिना एक रुपया भी इन्वेस्ट किए आज हमें 1000 से 1500 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम पंकज जी का इलाज जल्दी ही करवा सकेंगे। आप टेंशन मत कीजिए, ऊपर वाला हमारे साथ है और सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पर बहू कब तक, कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी और उनमें दोबारा सब्जियां आने में बखत तो लगेगा ही। माँ जी हम ना सीजन के हिसाब से सब्जियां उगा कर बेचेंगे और जब ज्यादा पैसे होंगे तब हम मंडी से भी लाकर सब्जियां बेच सकेंगे। मैं कल ही आजादपुर मंडी जाकर सब्जियां ले आती हूँ और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब्जियों की जरूरत तो हमेशा ही होती है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, और अगर अब लॉकडाउन बढ़ भी गया तो हमारा ये काम बिल्कुल बंद नहीं होगा। माँ जी अंकिता आज के कुछ पैसों को जमा कर अगले ही दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सस्ते दामों पर कुछ सब्जियां ले आती है और शाम को घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों सास बहू हिसाब करती है और देखती है कि इस बार कल से 30% का अधिक मुनाफा हुआ है। अब दोनों सास बहू ऐसा ही करती है। गंगा छोटी गलियों में जाकर कम दामों पर सब्जियां बेचती और अंकिता रही इलाकों में, पर वहाँ एक सिक्की नाम की लड़के की नजर अंकिता पर होती है और वो रोज उसको चुपके चुपके देखा करता, पर इन सब से अनजान अंकिता अपने सब्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती और साथ में अपने पति का इलाज भी। अब पंकज की हालत में काफी सुधार हो जाता है और वो वापस चलने फिरने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अंकिता तुम बहुत बहादुर और सबसे अच्छी वाइफ हो, इस बुरे समय पर भी तुमने हार नहीं मानी और अपने खुद के दम पर ये छोटा सा सब्जी का बिजनेस शुरू कर दिया। तुम देखना मैं जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा हम इस छोटे से बिजनेस को बड़ा करेंगे। अरे बहू और बेटा अब पहले से अपनी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है और अब तो लॉकडाउन भी मुआ खुल गया है, बस मेरा बेटा जल्दी से पूरी तरह भी बहुत लेट हो गया। हाँ गंगा अपनी सब्जियां लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अंकिता भी सब्जी लेकर चली जाती है। आज और दिन से लेट हो जाता है इसलिए उसको घर आने में भी लेट हो जाता है। वो अपनी बची कुची सब्जी को लेकर घर आ ही रही होती है कि विक्की उसको रास्ते में रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ कर पूछता है, सबको रोज सब्जी देती हो?
हमें क्यों नहीं कुछ देती? हमें भी कुछ देकर खुश करो। हम तुम्हें पैसे देकर खुश कर देंगे, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, बस हमारी हो जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ और अब मुझे अपने घर जाने दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? छोड़ो मुझे। तुम इतनी सुंदर हो कि हमारी आंखें बस अब तुम्हें ही देखना चाहती हैं। विक्की इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वहीं दूसरी ओर गंगा और पंकज को अंकिता की चिंता होने लगती है कि इतनी रात हो गई और अब तक अंकिता घर ही नहीं आई। पंकज घबराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अंकिता कहाँ सब्जी बेचने जाती है, मुझे बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अरे अरे वो जो पास में रहीसों का इलाका है ना, उसी में बेचती है सब्जी। मैं अंकिता को ढूंढने जा रहा हूँ। रुक बेटा, मैं भी चलती हूँ, पता नहीं कहाँ है बहू। गंगा अपने गली वाले कुछ लोगों की मदद लेती है और पंकज और बाकी सब अब अंकिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि अंकिता मदद के लिए चिल्ला रही है और विक्की उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सारे लोग मिलकर विक्की को मारते हैं और तुरंत पुलिस को बुलाकर उसको सलाखों के पीछे कर देते हैं और अंकिता वहां सब्जियां बेचना छोड़ घर से थोड़ी ही दूरी पर दुकान खोल लेती है और अपने घर वालों के साथ मिलकर अब सब्जियों का बिजनेस आगे बढ़ाती है और कुछ ही सालों में वो एक नया मुकाम हासिल कर लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।